दुनिया के सबसे बेहतरीन मध्यम तेज गेंदबाजों में से ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी ग्लेन मैकग्रा ने एक चौंकाने वाला दावा किया है। उन्होंने महान भारतीय बल्लेबाज और क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर पर अभद्रता के आरोप जड़े। उन्होंने कहा कि सचिन तेंदुलकर ने भी उनके साथ स्लेजिंग की थी। मैकग्रा ने कहा, एक ऑस्ट्रेलियन को हारा हुआ और धोखेबाज कहने से ज्यादा बड़ा अपमान नहीं हो सकता। सचिन तेंदुलकर ने भी मेरे साथ स्लेजिंग की थी। उन्होंने कहा, दुनिया की सभी टीमें ऐसा करती हैं, लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया ही करते हैं तो खबर बन जाती है। जबकि दूसरी टीमें हमारे साथ स्लेजिंग करती हैं तो हम चुप रहते हैं। जैसे ही ऑस्ट्रेलियन कुछ करते हैं, दूसरे खिलाड़ी शिकायत करने पहुंच जाते हैं। हम क्रिकेट जुनून के साथ खेलते हैं, हम मैदान पर कुछ कह देते हैं लेकिन बाहर निकलते ही सब भूल जाते हैं। ये ऑस्ट्रेलियन संस्कृति का हिस्सा है। मैकग्रा ने आगे बताया कि कमेंट्री के दौरान मैंने माइकल वॉन से पूछा कि क्या ऑस्ट्रेलियाई टीम सबसे ज्यादा स्लेजिंग करती है। इस पर उन्होंने कहा, नहीं, वॉन ने श्रीलंका की टीम को इस मामले में सबसे खराब बताया। मैं नहीं जानता कि इसका इंग्लैंड लंका दुश्मनी से कुछ लेना देना है, लेकिन वे हमारी तरह पकड़े नहीं जाते। यदि हम भारत या श्रीलंका में खेलते हैं तो वे जब हमें कुछ कहते हैं तो कोई नहीं देखता, लेकिन यदि हम उनकी बात का जवाब देते हैं तो वे अंपायर से कहने जाते हैं। जब उनसे पूछा गया कि उनके साथ खेलने वाला कौन सा ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी सबसे ज्यादा स्लेजिंग करता था तो उन्होंने मैथ्यू हेडन का नाम लिया। उन्होंने कहा, संभवतः हेडन सबसे ज्यादा था, लेकिन गली में फील्डिंग करते हुए वो सबकी नजरों से बचा रहता था। गौरतलब है कि ऑस्ट्रेलियाई टीम स्लेजिंग को लेकर काफी कुख्यात रही है। ये टीम हमेशा विरोधियों के खिलाफ इसे हथियार के तौर पर इस्तेमाल करती है। माना जा रहा है कि आगामी दौरे पर भी कंगारू इसका सहारा ले सकते हैं।